तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। माफ़ करना है ज़िंदगी, तुझे ही नहीं जी पा रहे हैं हम। ऐसे ही बेहतरीन शायरियों से लोगों के दिलों में हमेशा गुलजार रहने वाले गुलजार साहब का आज जन्मदिन है। उनकी लिखी हुई शायरी रूह को छूने वाली है और कम अल्फाजों में बड़े ही गूढ़ अर्थ को अपने भीतर समेटे हुए है। लेकिन ये गुलजार साहब शब्द गुलजार की ज़िंदगी में आया कैसे, इस सवाल के जवाब की भी अपनी एक अलग कहानी है। देखिए मृदुभाषी विशेष पर गुलजार साहब के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम। कम लोग ही जानते हैं कि गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार होने के साथ ही एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1936 को झेलम जिले के दीना में हुआ, जिसके विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। बचपन से ही गुलजार साहब को लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन उनकी लिखने की जो आदत थी उनके परिवार को पसंद नहीं थी। हर परिवार की तरह उनका परिवार भी चाहता था कि गुलजार साहब पढ़ लिख कर एक फिक्स जॉब ढूंढकर सेटल हो जाएं। लेकिन गुलजार साहब का तो रुझान जो था वो लिखने की ओर काफ़ी था और तमाम परिस्थितियों के बीच अपने लिखने की चाहत को बरकरार रखी, उस आदत को नहीं छोड़ा। गुलजार साहब ने अपना नाम बदल लिया और पेन नेम गुलजार दिवनी कर लिया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में हैं। गुलजार साहब को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके द्वारा लिखे गए गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिला। इसी गीत के लिए गुलजार साहब को ग्रैमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। वर्ष 2013 के लिए गुलजार साहब को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शायर बनना बहुत आसान है, बस एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल डिग्री चाहिए। मीना कुमारी और गुलजार साहब के रिश्ते भावनाओं से भरे हुए। मीना कुमारी ने मौत से पहले अपनी तमाम डायरी और शायरी की कापियां गुलजार साहब को सौंप दी। गुलजार साहब ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें संपादित कर उसके बाद में प्रकाशित भी करवाया। और उन डायरी में क्या रहस्य छिपे हैं, आइए समझते हैं थोड़ा सा। मीना गुलजार की भेंट फिल्म बेनजीर के सेट पर हुई थी। बिमल रॉय निर्देशक थे और गुलजार साहब सहायक थे। शॉट रेडी होने पर स्टार को कैमरे तक लाने की जिम्मेदारी गुलजार साहब की होती थी। यहीं से दोस्ती का वो दौर शुरू हुआ, पनपने लगा। बाद में गुलजार साहब जब स्वतंत्र फिल्म निर्देशक बने तो फिल्म मेरे अपने की मुख्य भूमिका में गुलजार साहब ने मीना कुमारी को मौका दिया। 1972 में मीना कुमारी जब चल बसी तो मेरे कुछ अपने समय के बाद प्रदर्शित हुई और गुलजार साहब स्वतंत्र फिल्म निर्देशक बन चुके थे। गुलजार साहब की ऑफिस की दीवार पर आज भी क्वीन मीना कुमारी जी का चित्र बोलता सा नजर आता है। तेरे जाने से कुछ बदला नहीं, रात भी आई और चांद भी था मगर नींद नहीं थी। शैलेंद्र ने शायर गुलजार में छिपे एक प्रभावशाली गीतकार, शायर और कवि को देख लिया था। संभवतः इसी हुनर से मुतासिर होकर के उन्होंने SD बर्मन से गुलजार साहब की सिफारिश की होगी, लिहाजा गुलजार साहब बर्मनदा की चौखट पर पहुंच गए। इस वक्त बर्मनदा बंदिनी के गीतों को लेकर मशरूफ थे, फिर भी गीतकार शैलेंद्र की सिफारिश थी, इसलिए उन्होंने गुलजार को एक गीत लिखने का मौका दे दिया। 5 दिन बाद गुलजार साहब गीत लेकर के बर्मनदा के पास पहुंचे। बर्मनदा को गीत भा गया, फिर यहीं से उनका दौर शुरू हुआ। बंदिनी के निर्देशन बिमल रॉय को गाकर सुनाया। बिमलदा रजामंदी से भरी मुस्कान से इस गीत को देखते रहे, सुनते रहे और उसे फिल्माया। गीत के बोल थे, मोरा गोरा अंग लई मोहे श्याम रंग लई, छुप जाऊंगी रात ही मोहे ही संग दई। साल था 1963 का। खास बात यह थी कि गुलजार साहब सबसे पहले गीत को ही स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने गाया इस गीत को। इसके पहले 1961 में बिमल रॉय के सहायक के रूप में अपने हुनर को धार लगाए, फिर ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार जी का सानिध्य भी उन्हें पाया और इसी तरह से सिलसिला चलता गया। कई फिल्में की, कई गाने लिखे, कई गीत, गज़ल, शायरीज लिखी, जिनमें कि आंधी फिल्म 1975 में जो आई थी, 1976 में आई थी मौसम, अंगूर और माचिस। गुलजार साहब को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसमें
इस 1972 में कोशिश फिल्म के लिए उन्हें श्रेष्ठ पुरस्कार मिला स्क्रीन प्ले, 1975 में मौसम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, और वर्ष 1987 में इजाजत फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के तौर पर उन्हें पुरस्कृत किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए 2004 में उन्हें देश के सबसे तीसरे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त गुलजार साहब को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। सिनेमा प्रेमियों ने उन्हें अपने दिल में बसाया। अपनी जादुई लिखावट और मखमली जज्बातों के लिए गुलजार साहब को आने वाली पीढ़ियां अनवरत याद रखेंगी। आज गुलजार साहब के 86वें जन्मदिवस पर मृदुभाषी न्यूज़ की ओर से अक्षुण अनंत शुभकामनाएं। गुलजार साहब ऐसे ही सबके दिलों में बसे रहें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अनवरत अपनी लेखनी से लाखों करोड़ों दिलों में मोहब्बत भरते रहें। थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, जिंदगी फिर से नहीं लगेगी, जिंदगी ही तो है। गुलजार साहब को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।